उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दुर्घटनाग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच गिरा। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके ले जाया जा रहा था क्रिस्टल हेलीकॉप्टर। केदारनाथ में बीते 24 मई को तकनीकी खराबी के दौरान क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। तब से क्षतिग्रस्त हालत में केदारनाथ में पड़ा हुआ था हेलीकॉप्टर। पटना के नजदीक फतुआ में नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में अचानक से आग लगी। बीच सड़क धुंधु करके जली एम्बुलेंस, बाल बाल बचे मरीज और ड्राइवर। केरल के पालाकड़ में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक से पहले देर रात मोहन भागवत और जेपी नड्डा की हुई है मुलाकात। आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक के लिए कल शाम को ही जेपी नड्डा पहुंच गए थे पालाकड़। आज से केरल के पालाकड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 3 सितंबर तक चलेगी मीटिंग। आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों की भागीदारी होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। रोड शो में ऐलान किया करनाल से फिर लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के फिर जीतने का भी किया दावा। हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, स्क्रीनिंग कमेटी में 40 सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी सीईसी की 2 और 3 सितंबर को होगी बैठक। चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है, एक्सपोज पर कहा मुलाकात में कई राजनीतिक बिंदुओं पर हुई है विस्तार पूर्वक चर्चा। चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को शांभवी चौधरी ने किया खारिज। समस्तीपुर से LGPR सांसद हैं शांभवी चौधरी, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की, छोड़ने का सवाल ही नहीं, परिवार और पार्टी दोनों एक साथ। असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे का अवकाश खत्म कर दिया गया। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं बल्कि विधानसभा का फैसला है, नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, हेमंता जी जब भी बोलते हैं जहर ही उगलते हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों में मुसलमानों को ज्यादा परेशान करने की होड़ है जिससे वो केंद्रीय नेताओं के और करीब हो जाए। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा, हिंदू बेटी के रेप पर पूरे देश ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन यही अन्य मुस्लिम बेटी के साथ हुआ होता तो हर ओर सन्नाटा होता, मुसलमानों पर हो रहा है भयावह अत्याचार। असम सरकार के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप, बीजेपी ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया, अल्पसंख्यक लोगों को करना चाहते हैं ये तंग, और कहा कि आजादी की लड़ाई में सभी का योगदान रहा। प्रधानमंत्री मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम होने वाला है। 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ में बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा वंदे भारत के शुभारंभ का प्रसारण, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सिटी स्टेशन पर बड़ी तैयारी की गई है, मेरठ से लखनऊ जाने वालों को ये सौगात मिलेगी। सुल्तान हाजी बोलकिया के नौते पर ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 सितंबर को 2 दिवसीय उनका दौरा होगा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। अयोध्या में शुरू हुई 8वें दीपोत्सव की तैयारी, इस बार 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली मरतबा होने वाले दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी। रेप के दोषी को मृत्यु दंड देने का कानून बनाने की मांग, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना होगा। ममता बनर्जी ने कहा, उनकी सरकार की रेप संबंधी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। ममता ने कहा, मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में अगले हफ्ते पारित किया जाएगा विधेयक। संशोधित विधेयक की मंजूरी में देरी होने पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। बीजेपी नेता सुमेंदु अधिकारी का आरोप, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। आरजी कर मामले में हम चाहते हैं न्याय मिले। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो, डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कहा, पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद का वीडियो है, केवल जांच प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग ही वहां पर मौजूद। आज दिल्ली में डॉक्टर्स के सभी संगठनों का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा, सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा।
हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के आज 200 दिन पूरे हुए, हजारों की संख्या में जुटेंगे किसान। रेसलर विनेश फोगाट को किसान करेंगे सम्मानित। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है, चप्पे चप्पे पर तलाश में जुटी हुई है टीमें, ड्रोन की मदद से ढूंढे जा रहे हैं आदमखोर भेड़िया। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से पड़ताल की गई, ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों में बहस की खबर भी है। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन, अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 की तलाश अब भी जारी है। खौफ में जाकर कटी लोगों की रात, खतरे के बीच ग्रामीण खुद कर रहे हैं निगरानी। लखीमपुर खीरी में एक महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले से मौत की खबर है, वन विभाग की टीम कर रही है तलाश, ड्रोन कैमरे से तलाशी के साथ लगाई गई है वहां पर पिंजरे। यूपी के वाराणसी में लोगों को राहत, गंगा नदी का गिरा जलस्तर, घाटों पर पानी नीचे आके आया, फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में बहा युवक, मौके पर एसटीआरएफ की टीम नदी में युवक की तलाश में जुटी हुई है। आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है, पश्चिम तट गुजरात में तूफान की वजह से भारी बारिश जारी है, बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा है, तटीय इलाकों में भारी बारिश। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर, भदार नदी उफान पर बह रही है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का बरपा कहर, कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश जारी, भुज जिले में बारिश के बाद इलाकों में जलभराव की समस्या, लोगों की परेशानी बढ़ी। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव, तेज गति से तूफान आने का खतरा है, अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है, हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात। यूपी के मऊ जिले में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, 250 से ज्यादा घरों पर खतरा है, घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को लोग मजबूर। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर एक्शन हुआ है, मदरसे को चलाने वाली सोसाइटी का पंजीकरण रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यूपी एटीएस और एनआईए की टीम भी जांच में शामिल हो सकती है। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा, स्पा सेंटर से 13 युवतियां, 7 युवकों को हिरासत में लिया गया, पकड़ी गई युवतियों में विदेशी युवतियां भी शामिल। यूपी के गाजीपुर में मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी, पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में शिफ्ट किया, लूट की कई वारदातों में शामिल रहा है। राजस्थान के बारा में हत्या के आरोपियों का पुलिस ने मुंडवाया सिर, 3 बदमाशों का पुलिस ने शहर में घुमाकर जुलूस निकाला, 3 आरोपियों पर युवक की हत्या का आरोप। गाजियाबाद में रेप के 4 आरोपियों को भेजा गया जेल, मंगेतर जबरन ऋषिकेश ले जाकर रेप करने की कोशिश कर रहा था, विरोध करने पर साथियों के साथ मिलकर युवती से मारपीट की, 22 अगस्त का मामला था। बच्चे के अपहरण के मामले में यूपी पुलिस में तैनात निलंबित हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया, जयपुर पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है, साधु के वेश में छिपा था आरोपी तनुज। लखनऊ में युवक की हत्या के मामले में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल रविंद्र पाल सिंह गिरफ्तार किया गया, समलैंगिक डेटिंग ऐप ग्राइंडर के जरिए मुलाकात हुई थी, पैसे को लेकर विवाद में हत्या की गई थी।